गाइस आप देख रहे हैं वाइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो मैं आज आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे अगला प्रॉब्लम बता रहा हूं, जो कि ये प्रॉब्लम डिप्लोमा आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है और ये प्रॉब्लम 15 टू 10 मार्क्स रहेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को। तो प्लीज़ मेरे वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको मेरे बेसिक स्किल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ मेरे वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे मेरे अलग अलग प्रॉब्लम्स पे, अलग अलग चैप्टर्स पे और मेरे वीडियोस पर। तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको ये होता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे, आप लोग ये एक्स्ट्रा लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे ड्रॉ करते हैं प्रॉब्लम्स को बता रहा हूँ, तो क्लियरली आपको मिल जाएगा कंसेप्ट। तो ये एक्स्ट्रा लाइन होती है, ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ए लाइन मेजरिंग 60 mm, ठीक है, 60 mm मतलब कंसिडर कीजिए कि आपकी ये लाइन है पेंसिल, इसको आप ए बोलिए, इसको एक एंड को और दूसरे एंड को बी बोलिए। तो ये लाइन कितनी लेंथ है, 60 mm है, समझे कि पेंसिल आपका 60 mm है। इस पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, मीन्स पैरेलल टू वीपी मीन्स आपको वीपी को पैरेलल होगी ऐसा, और परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर एचपी मीन्स ऐसा, मतलब वीपी को पैरेलल हो रही है और परपेंडिकुलर टू वीपी हो रही है मीन्स एचपी को हो रही है, तो आपका पेंसिल ऐसा रहेगा। तो लाइन इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स आपको वीपी से 40 mm डिस्टेंस दिया हुआ है ऐसा। तो ठीक है, पेंसिल आपकी मतलब ये लाइन आपकी 40 mm यहाँ पे है। द लोअर एंड ऑफ द लाइन इज 20 mm अबव एचपी, मतलब इसका लोअर एंड है ना एचपी से 20 mm अप है। तो ये हो गया एज क्वेश्चन में जैसा बोला, तो ये पेंसिल आपकी ऐसी है 20 mm अप और वीपी से 40 mm इन फ्रंट है, तो आपकी लाइन यहाँ पे है। तो अगर आप ये पेंसिल को आप सामने से देखेंगे तो आप ये 60 mm की लाइन आपको बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन आपको वीपी पे मिलेगी 60 mm की, जो हाइट है 40 mm, ठीक है। फिर आप अगर वही लाइन को अगर ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो आपको एक एचपी पे खाली एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट के असर का दिखेगा आपको लाइन, तो ठीक है यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। अगर आप फिर क्वेश्चन में राइट प्रोफाइल प्लेन, तो आपकी ये राइट प्रोफाइल प्लेन है, तो राइट प्रोफाइल प्लेन पे आपको अगर ये यहां से लेफ्ट से देखेंगे तो आपको एक 60 mm की लाइन आपको राइट प्रोफाइल प्लेन पे बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी ऐसा, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में, तो इसको प्लीज मेरे वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन लेबल कीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा प्रोफाइल दिया हुआ है। तो राइट प्रोफाइल प्लेन, तो राइट प्रोफाइल प्लेन दिया तो आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइन ऊपर कितनी है नीचे कितनी है वो देखना है। तो आपको दिया हुआ है लाइन इज 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोले तो वीपी के बिल्कुल इन फ्रंट एचपी पे आपको 40 mm लेना है ऐसे, ठीक है। और द लोअर एंड ऑफ द लाइन इज 20 mm अबव एचपी, अबव एचपी मीन्स आपको 20 mm ऊपर जाना है ऐसा, ठीक है, 20 mm, ओके। तो मैं आपको जैसा प्रैक्टिकली बताया, आपको यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर किसको दिया, एचपी को दिया, तो ये आपको
वीपी पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कितनी की लाइन है यहाँ से आपको? 60 एमएम की लाइन है, तो आपको यहाँ से 60 एमएम की लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन ए डैश हो गई और ये बी डैश हो गई, ठीक है। तो ये लाइन को आप डायमेंशन भी कीजिए 60 एमएम, ये हो गया 60 एमएम, और ये आप हाइट लिए थे एक्स वाई लाइन से 20 एमएम अबाव, तो ये भी 20 एमएम बता दीजिए। और यहां से भी आप ये लाइन 40 लिए थे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। अब यही लाइन को अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये लाइन में पॉइंट दिखेगा ना, तो मैं आपको बोला टॉप व्यू में एचपी पे आपको पॉइंट दिखेगा, तो ये पॉइंट डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका बी डैश और ब्रैकेट में ए डैश। क्यों ब्रैकेट में? मीन्स आपको ये लाइन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बी डैश पहले दिखेगा, जो चीज दिख रही है जो विजिबल है वो विदाउट ब्रैकेट में लिखना है, बी के साथ सॉरी डैश लिख दिया मैं, ये बी और ये ए हो गया, ठीक है। तो आपको ये बी डैश ऊपर से दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बी दिख रहा था विदाउट ब्रैकेट, आपको बी लिखना है। अब यहां से अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको यहां से ए डैश नहीं दिख रहा, यहां से आपको ए डैश नहीं दिख रहा, तो जो चीज नहीं दिखती उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ए को, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहां से प्रोजेक्टर, ये दोनों को प्रोजेक्टर कहते हैं, यहां से आपको एक डिस्टेंस देगा राइट प्रोफाइल प्लेन तक का, क्या दिया हुआ है एंड 25 mm फ्रॉम राइट प्रोफाइल प्लेन। मीन्स ये प्रोजेक्टर से आपको राइट प्रोफाइल प्लेन का डिस्टेंस कितना है 25 mm, तो 25 mm डिस्टेंस लीजिए ऐसे और राइट प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया राइट प्रोफाइल प्लेन, इसको X1 Y1 भी बोलते हैं। उसके बाद ये राइट प्रोफाइल प्लेन से आपको 45 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करना है, आपको मीन रफर एडजस्ट कीजिए 45 डिग्री एंगल पर, फिर ये राइट प्रोफाइल प्लेन पे आपको 45 डिग्री लाइन की लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ए और बी दिख रहा है, तो यहाँ से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है 45 डिग्री एंगल तक और ऊपर लेना है। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ए और बी से दोनों से हो रहा है आपका ये प्रोजेक्शन लाइन, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स रहे हैं नीचे हैं वहाँ पे हैं, आप पूरे लाइन्स लेना है। आगे और भी वीडियोस में आपको समझ में आएगा। लेने के बाद आप ये ए डैश और बी डैश से आपको पोजिशन लाइन लेना है, ओके। उसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको राइट प्रोफाइल प्लेन पे आपको लाइन मिलेगी 60 एमएम की, तो इसको आप डार्क कीजिए। नहीं करने से पहले देखिए, सबसे पहले ये ए और ये ए कहाँ पे मीट हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पे आपका हो गया ये ए डबल डैश। अब ये बी और ये बी डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, ये हो गया आपका बी डबल डैश, तो ये भी तो लाइन है ना राइट प्रोफाइल प्लेन पे, तो इसको भी आप डार्क कीजिए। ये हो गया राइट प्रोफाइल प्लेन, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ये प्रॉब्लम का। तो उसके बाद आप और भी कितने भी क्वेश्चन में डायमेंशनिंग दिया हुआ है आप पूरे यहाँ पे बताना है, 60 mm मैं बता चुका हूँ, और क्या दिया है 40 mm वो भी बता चुका हूँ, और 20 mm भी बता चुका हूँ, और 25 mm फ्रॉम द राइट प्रोफाइल प्लेन, मीन्स यहाँ से प्रोजेक्टर से यहाँ तक 25 mm का डिस्टेंस बताना था, डायमेंशनिंग बताना था, ये भी बता दिया। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये फ्रंट व्यू होता है और ये आपका पॉइंट टॉप व्यू है, और ये आपका ये फिगर को आप लेफ्ट से देखेंगे क्योंकि राइट प्रोफाइल प्लेन, तो लेफ्ट से देखना पड़ेगा, तो लेफ्ट से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड व्यू हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो डिप्लोमा आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है। तो प्लीज गाइज, मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस पे। तो प्लीज गाइज शेयर करना मत भूलिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल इनबॉक्स पर। थैंक यू।